तो पैकिंग वगैरह कर ली आपने? सर आपको लेने आए हैं, डिलक्स हॉलीडेज की तरफ से आया हूँ। आपकी वो थाईलैंड की ट्रिप थी ना? किसने कराई भाई? डिलक्स हॉलीडेज की तरफ से बुक हुए हैं। हाँ भाई, पैकिंग वगैरह कर ली? काय की पैकिंग भाई, ईरान जा रहे हैं ना आप? ईरान के लिए लेने आए, आपकी फ्लाइट है आज। सलाम, तैयारी कर ली आपने पैकिंग वगैरह? काय की तैयारी? आपकी फ्लाइट है सर? हैं? कौन कह रहा है फ्लाइट है? कौन कह रहा है सर? डिलक्स हॉलीडेज कह रहा है फ्लाइट है। मैं कह रहा हूँ नादिर अली फ्लाइट है। ये हाईएस्ट आई है, ये कह रही है फ्लाइट है। हाईएस्ट के अंदर एक अपना अपना डकैत रूमा बंदा बैठा है, वो कह रहा है फ्लाइट है। सारी पैकिंग वगैरह कर ली आपने? सर आपको भेज रहे हैं ना हैं? वो आपकी वो इथियोपिया की टिकटें हुई हुई है ना? तो आपकी टिकट ऑनलाइन की है थाईलैंड की? हाँ। तो आपके लिए गाड़ी आ गई है, 6 बजे की फ्लाइट है आपकी। भाई कहीं और आए होंगे आप, यहाँ गलत एड्रेस पे आ गए। हमारा आपसे हमने कोई बुक नहीं करवाई। हमारा आपसे क्या मतलब है? डिलक्स हॉलीडेज डोर टू डोर सर्विस दे रहा है, किसी का बाप नहीं दे सकता। सर पासपोर्ट नहीं गया, आपने स्कैन करके भेजा है और फ्लाइट है। श्रीलंका जा रहे हैं आप? श्रीलंका जा रहे हैं 15 दिन के लिए आप? वहाँ पे श्रीलंका में आपकी मीटिंग है कुमार संगकारा से। सर बहुत डिलक्स हॉलीडेज की तरफ से आया हूँ। कहीं से भी आया हूँ, मैंने करवाई नहीं है भाई। सामान दे दूँ? कौन सा सामान? बैग वैग नहीं लेके जा ही नहीं रहे हम। यार भाईजान बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, समझे ना मेरी बात सुन ले आप। अल्लाह माफ करे, पापोश में पेंटर होते हैं आप जैसे बंदे, मेरी बात सुन ले आप। देर हो रही है, चलें। बस ये इनको जल्दी से आ जाए पैकिंग। अच्छे नहीं, सामान कहाँ है? सामान नहीं है भाई यहाँ पे। सन्नाटा आप देख के आ जाए, अंदर कोई सामान है तो आप ले लीजिए। क्या हो गया भाई? इनका सन्नाटा जाके इनकी पैक सामान। सामान कहाँ से दो? तैयारी होगी तो सामान देंगे ना। सर आप तरीके से बात करेंगे क्या मतलब है? क्या किस तरह बात? आपने वो देखा है, आपने वो जो प्रीति जिंटा की टीम को हराता है विजय मालिया, उसके जैसा मुंह है। डिलक्स हॉलीडेज हॉलीडेज इसी वजह से टिकट नहीं बना रहे। हॉलीडेज टिका के सर, हॉलीडेज आप बनवा दिएगा टिकट? ओके। हाँ भाई, भाई गाड़ी लेके आए एयरपोर्ट से आए आपके लिए। आपके लिए आए बॉस, ये आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास मौजूद है सर। आपको आपको फटाफट आपको वहाँ पे लैगेज में डालना है, जहाज के बीच में लैगेज में। सर ये डिलक्स हॉलीडे के दफ्तर नहीं आया था बुक कराने, कोई और आया था इसकी घर? नहीं नहीं यही आया था यार, मैं जानता हूँ सन्नाटा। मेरी याददाश्त इतनी तेज है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप तो चूटी भी पहचान लेते हैं। चूटी भी पहचान लेता हूँ, मेरी याददाश्त ऐसी है। ले लूँ सामान? उठा लेता हूँ सामान। उठा लो सामान भाई। यार अल्लाह माफ करे, नाक ऊपर कर रहे हो, दिमाग दिख रहा है आपकी नाक से। तुम्हारा दिमाग तो सही है भाई। अजीब लोग हैं, ट्रेन में सफर करने वालों को जहाज के टिकट क्यों दे देते? सर बात सुने, आप बात सुने, ये डिलक्स का कमाल है बॉस, ये डिलक्स का कमाल है। अगर 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 आपको हो गया ना तो अब चलो। कहाँ चलो? वो कहाँ? थाईलैंड। छोटी छोटी चट्टियां पहन के बीच में लेटेंगे यूं करके। आपकी हो गई है टिकट हो गई है। भाई कौन जाएगा फलस्तीन यार? आप बात करो, मैं सामान लेकर आऊंगा। भाई क्या हो गया? देखिए आपके सारे यहाँ पे टिकट वीजा हर चीज मेरे पास अवेलेबल है। बॉस अभी आपको सब वहाँ पे मेरी है ना जिम्मेदारी। थाईलैंड? ये थाईलैंड वाला मुंह नहीं है, ये कभी सरजानी टाउन से बाहर नहीं गया ये बंदा, थाईलैंड जाएगा। सर अभी पिछले दिनों तो हांगकांग आपके साथ गया और आप बोले थाईलैंड नहीं। वो हांगकांग नहीं था, वो मलीर था। उसी मुंह से तो गया था आपका। मलीर था, मलीर सुनिएगा एक सेकंड, वो मलीर 15 था। सर आप हांगकांग का कहके मलीर 15 ले गए थे मेरे को, तो बस अब जो था वो था। सामान दो यार, लाओ यार। बॉस हम देखें, हम आए, आपका वीजा भी हमारे पास मौजूद है, ऑनलाइन पासपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, आपका एक बाल सीने से यूं निकल रहा है, सब चीजें हमारे पास मौजूद है। आपने नहीं कहा था हमें डिलक्स हॉलीडेज को श्रीलंका जाना है, मैंने मेरी मलिंगा के साथ मैंने चाय पीनी है? नहीं हमने नहीं कहा। ये पेट से मार रहे हैं यार। भाई आपको मैं कह रहा हूँ आप गलत एड्रेस पे आ गए, मैंने कोई टिकट नहीं कराई ना मेरे किसी घर। सर ये डिलक्स हॉलीडे की फ्लाइट मिस करना चाह रहा है और अपनी फैमिली से भी करवाएगा, आप मैं बोल रहा हूँ, मैं आप पकड़ो, मैं सामान निकाल रहा हूँ। मैं यकीन करो यहीं चारपाई खड़ी करके नहाना शुरू हो जाऊंगा, इतनी गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में ना मैं काम करता ही नहीं हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव लेवल का आदमी हूँ, मेरे साथ मैनेजर होते हैं, लेकिन मैं पहली दफा आया हूँ। यार तो आप इतना चीख के क्यों बात कर रहे हैं? चीख के इसलिए आया हूँ, मुझे डिलक्स हॉलीडेज ने कहा इसलिए आया हूँ।
जहाज खड़ा हुआ है भाई पावर हाउस पे। भाई मैंने करवाया ही नहीं है तो जहाज खड़ा हुआ है तो मैं क्या करूँ भाई। भजन आप अल्लाह माफ करे यहाँ तक छह भाई भी आपकी क्या मतलब है, क्या क्या तरीका है? इसने करा दी टिकट, हमने कोई टिकट नहीं कराई है। आप मेरे घर से कहीं गलत एड्रेस पे आ गए हो। मेरे घर से कोई गलत एड्रेस पे आए हुए हो? हमने टिकट नहीं कराई है, हम पागल के बच्चे, हमने इतनी बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई है, हमसे बड़ा चमार कोई नहीं है, डिलेक्स हॉलीडेज कोई चीज नहीं है, ये सब कुछ सही कह रहा है। उधर हम तो नहीं, आप मुँह पे थूक रहे मेरे सर, बात कम कर रहे हैं, थूक ज्यादा रहे हैं। सर आपने ये कंटिन्यूटी पकड़ी हुई है थूक वाली, आप क्या कह रहे हैं? अगर आप नहीं जाएंगे ना मैं उठा के जबरदस्ती गाड़ी में डालूंगा और छोटी कोई दो चार बनियाने और दो चार चटिया डाल के आपको थाईलैंड भेज दूंगा। आपकी फैसिलिटीज के लिए आपको आपको इंग्लिश में अकोमोडेट कर रहे हैं, अकोमोडेट सन्नाटा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इंग्लिश बोल रहा हूँ, अकोमोडेट कर रहे हैं। नहीं है, आपने नहीं कराई रिजर्वेशन, पक्की बात है, पक्की बात है, चले रिजर्वेशन नहीं कराई है सन्नाटा, ये पकड़े हमने आपके साथ मजाक किया है, हाथ हिला दें। और कहीं भी अगर आपने आउट ऑफ कंट्री जाना हो तो डिलेक्स हॉलीडेज से ही जाइएगा। ये मजाक हो रहा है, इस टाइम आपको पूरी दुनिया देख रही है, वो लगा हुआ कैमरा, ये हमने मजाक किया है, लेकिन एक वादे के साथ आपसे रुख्सती लेंगे, जब भी आउट ऑफ कंट्री जाना है डिलेक्स हॉलीडेज की तरफ से जाना है, जो कि बहादराबाद में मौजूद है, बलाट ट्रेड सेंटर में 3rd फ्लोर। समझ गए एड्रेस? बड़ी मेहरबानी है, हाथ हिला दें और ये बोल दें पीफर पकाओ को सब्सक्राइब करें। पीफर क्या?